वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अज पंजाबियों नाल कुछ गल्लां करना चाहना। कोविड की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, दुनिया च सारे देशों तो ज्यादा बीमारी हुण अपने देश हिंदुस्तान च। इस संबंध में मैं तीन गल्लां करना चाहना। सब तो पहले मैं सारे पंजाबियों नूं बेनती करना चाहना कि इस बीमारी नूं तां जित सकते हैं जे आपां वैक्सीनेशन कराइए। मैं पिछले दो तीन महीनों च कई लोगों नूं मिलिया, पिंडां च गया, शहरां च गया, मंडियां च गया। आम जनता दे मन च वैक्सीनेशन दे खिलाफ धारणा बनी है कि इहदा कोई फायदा नहीं ते इहदा नुकसान हो जांदा है, ते ओ वैक्सीनेशन तरफ मन बना नहीं रहे। मैं सारे पंजाबियों नूं ते देशवासियों नूं कहना चाहुंदा हां, जे आपां वैक्सीनेशन करांगे तां ही आ जंग जित्तांगे। कई मुल्कां ने 100% वैक्सीनेशन कर ली है, जिवें इजराइल मुल्क है, 100% उन्होंने अपने सिटीजन नूं वैक्सीनेशन कर दिता है ते हुण उत्थे बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। अपना देश है, लोग हजारां लोगों दीआं मौतां हो रही हैं, 4 लाख ते वध केस करोना दे हो गए हैं। जे आप वैक्सीनेशन करावांगे अगले 6 महीनों के अंदर पूरा देश वैक्सीनेट होगा तो ही आप बचांगे। जे आप नहीं करावांगे तो हजारां लोगों की होर जाना जाणगियां, तो जिवें अपने 3-2 साल बर्बाद हो गए जिंदगी दे, उवें अगले साल बर्बाद होंगे। सो मैं पहली बेनती था कि सारे वैक्सीन कराओ। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करा ली है। तो इस करके आप भावें 18 साल के हो, भावें बुजुर्ग हो, आपां वैक्सीनेशन तो डरना नहीं चाहिए। दूजी बेनती मैं आप बेनती करना चाहना कि पंजाब विच हालात बहुत बिगड़ गए। पिछले कई दिनों तो मैनू रोज 400-500 टेलीफोन आता है, किसी बैड की लड़ है, किसी ऑक्सीजन की लड़ है, किसी दवाइया की लड़ है। जितों तक मेरा हों, मैं डीसी भी टेलीफोन करता, मैं कमिश्नर भी कॉल करता, मैं SMO भी टेलीफोन किया कि जिथे बैड दवा सका मैं दवाने की कोशिश की है, पर हालात बहुत बिगड़ गए। मैं मुख्यमंत्री पंजाब को बेनती करना चाहना कि तुसी हर रोज डिप्टी कमिश्नर तो पता कराओ हो की रहा जिले च, डेली रिपोर्ट लो। जिहड़े अपने चीफ सैकटरी है उन्हें नाल ते अपने हैल्थ सैकटरी जो डिपार्टमेंट कोविड की तुसी टीम बनाई उन्होंने डेली मीटिंग करो, क्योंकि जो हालात पंजाब च है शायद थोनू पता नहीं लग रहा। इन्नी बिगड़ गई हालात है, जिहड़े इंजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आएगा इंजैक्शन रेमडेसिविर, जिहड़ा मतलब 1000 रुपये कीमत नहीं, 30-30 हजार रुपये का ब्लैक मार्केट च मिल रहा, वह भी नहीं मिल रहा। लोग मिन्नतां कर रहे हैं, जिहड़ियां कोविड दीआं दवाइयां हस्पतालां च खत्म हो गईआं, लोग जिथों हिम्मत करके मिल सके उत्थों कोशिश कर रहे हैं। 500% 1000% ब्लैक उन्होंने चल रही है। ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी है, कमरिया की बैड की बड़ी मारामारी है। तुसी हैरान रह जाओ, एम्बूलेंस एक पेशेंट नूं अपने घरों ले जाने वास्ते हॉस्पिटल कोई 10 हजार रुपये ले रहा है, कोई 20 हजार रुपये ले रहा है। इस करके मुख्यमंत्री जी मैं थोड़ा आई बेनती करना चाहना, आ जिम्मेवारी थोड़े को थोड़ी है, तुसी पंजाब के मुख्यमंत्री हो। आ समा बड़ा औखा है, जो सहयोग साथों चाहे असं देवे, असं पहले भी देंदे रहे, सारिया पार्टियां सारे लोग सहयोग देने तैयार है, पर बेनती है कि जिहड़े तुसी हिम्मत करके सारे गवर्नमेंट नूं कंट्रोल तुसी कर दिओ, पर ऐ लग नहीं रहा जिवें कोई गवर्नमेंट कोई जिम्मेवारी संभाल रही है। जिवें मैं डीसीज नाल गल कीती, मैं SMO नाल गल कीती, इक्को जवाब हुंदा साडे कोले है नहीं जी, साडे कोले दवाई है नहीं जी, साडे कोले ऑक्सीजन है नहीं जी। जिम्मेवारी तो सरकार दी है, जे बाहरों इंपोर्ट हो सकता उत्थे इंपोर्ट कर लो, जे नाल दे सूबियां तो कितें मिलदी है उत्थों मिल लो, जिथे कंपनी बनदी है उत्थे अफसर भेज के उत्थों मंगा लो। सो मैं आई बेनती करना मुख्यमंत्री जी नूं कि तुसी आ जिम्मेवारी संभाल के आ जिहड़ी महामारी विच, क्योंकि थोड़े कोले साधन है, थोड़े कोले सरकार है, थोड़े कोले सारे सिस्टम्स है जिहदे नाल आ लड़ाई जित सकदे हैं, आपां जित सकदे हैं। जे मुख्यमंत्री जी तुसी कंट्रोल करके सारी हिम्मत करके तुसी आ सारा कुछ अपने कंट्रोल लो, अफसरां दे तुसी छड्ड दित्ता है। अफसरां नाल छड़ना की हो रहा है, कोई रिस्पोंसिबिलिटी लै नहीं रहा। मैं जायदा मैं अफसरां नाल गल करके देखिया, वह रिस्पोंसिबिलिटी लैन नूं तैयार ही नहीं है, वह तो अपना टाइम पास करने लगे है। इस करके इलैक्टेड गवर्नमेंट मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होंगी है
जिहड़ी तुहाडी जिम्मेवारी तुसीं प्लीज संभालो। तीजी गल मैं जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा है, यूथ अकाली दल दे प्रधान नाल मैं गल कीती सी ते मैं यूथ अकाली दल दे वर्करां दी मीटिंग गल कीती सी कि कई लोगों की जाना प्लाज्मा दे के बच सकती है, तो यूथ अकाली दल ने प्लाज्मा डोनर का असी सिस्टम बनाया है, असी डोनर की लिस्ट कट्ठी की है, तो असी तीन नंबर मैं थोड़े राही टीवी राही मीडिया राही मैं तीन टेलीफोन नंबर देना चाहना है, जिस इंसान नू जिस हॉस्पिटल नू पंजाब जिस व्यक्ति नू प्लाज्मा की लोड़ है, क्योंकि प्लाज्मा नाल जाना बच सकती कोविड दी, सो नंबर है 9908000013। मैं फिर तो रिपीट करदा, पहला नंबर है 9908000013, पहला मोबाइल नंबर आया जी। दूजा मोबाइल नंबर है 9779171507। तीजा नंबर है 8427544763। आ तीन नंबर साढ़े मोबाइल तुसी नोट कर लो, इत्थे साढ़े यूथ अकाली दल दे हेल्पलाइन दे विच मैंबर बैठे है, जिथे भी थोनू लोड़ है किहड़ी हॉस्पिटल च लोड़ है तुसी उन्हां दस दिओ। मैनू बड़ी खुशी है कि पिछले दो दिनों च तकरीबन 20 परिवारां नू असी मदद कर चुके हैं, तो 20 परिवारां नू जिन्हां नू अपनी प्लाज्मा की लोड़ सी पंजाब दे कोने कोने तों, असी उन्हां नू जल्दी जल्दी डोनर भेज के उन्हां दी समस्या हल कराई। मैं यूथ अकाली दल दे वर्करां नू ते अपनी जथेबंदी अकाली दल लीडरशिप नू बेनती करदा, हर जिले च जिहड़े अपने सरकारी हस्पताल है उत्थे मैं पता कराया जिहड़े पेशेंट उत्थे है ते जिहड़े उत्थे अटेंडेंट परिवार आए है उन्हां नू लंगर की बड़ी समस्या आ रही है, बेचारे अपने पेशेंट नू ध्यान नू बचाउण ते लगे है, उन्हां कोल कोई साधन नहीं, बेचारे गरीब है ना घर घरों रोटी लिया सकते है, इस करके जिथे भी सरकारी हस्पताल है मैं यूथ अकाली दल ते अकाली दल दे लीडरशिप बेनती करता उत्थे आपां लंगर शुरू कर दिए, पेशेंट्स भी आके छक सकन या पेशेंट कोले उन्हां दे वार्डां च अपने जिहड़े रिश्तेदार पहुंचा सकन ते रिश्तेदार भी उत्थे आके खा सकन। सो आ बेनतियां करके मैं आगे लैना, मैं अखीर सारे पंजाबियों नूं बेनती करदा है आपां कट्ठे होके अज कोविड की लड़ाई जितनी है, आ बीमारी तां जित्ती जाऊगी जे आपां निशाना बना लईए, आपां इहनूं हराउणा हरा ता सकदे हां जे आपां वैक्सीन करिए, मास्क लाईए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ताई आपां जंग जित सकते हैं। मैनू पूरी आस है पंजाबी हर जंग जितते रहे हैं, आ भी जंग जितेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।